नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य, ये जगह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। दरअसल ये कहें कि कुछ दिनों से नहीं बल्कि पिछले एक दशक से इस जगह के बारे में चर्चा चल रही है। आखिर पिछले कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा इसकी चर्चा क्यों हुई, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का वो जंगली इलाका है जो लगभग 1800 से 1900 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 2009-10 में इस एरिया को नो गो जोन घोषित कर दिया गया था। नो गो जोन यानी कि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की माइनिंग नहीं होगी और जो जंगली जानवर वहाँ रहते हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ज़्यादातर वहाँ हाथी का संरक्षण आप उसको कह सकते हैं और एक तरीके से इस जगह को, वो जो पूरा इलाका है, इसको मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि पर्यावरण के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बेशकीमती जगह है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि लगभग 2 लाख के समथिंग पेड़ काटे जाने हैं और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से आदिवासी लोगों का पलायन हो जाएगा अगर ये पेड़, ये जंगल वहाँ से काट दिया जाता है। क्योंकि अब हो ही रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से पिछली जो सरकारें थी उन्होंने इसको भले ही 2009-10 में नो गो जोन घोषित किया हो, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर माइनिंग शुरू करने का दौर जारी होगा और जो पेड़ है उनकी कटाई शुरू हो चुकी है। तो ये जो परसा कोल ब्लॉक है उसी का ये दूसरा ब्लॉक होगा जिसमें लगभग 841 हेक्टेयर में जो जमीन है वहाँ के उनके जंगलों को काटे जाना है 841 हेक्टेयर में और वहाँ पर कोल माइनिंग होगी। कोल माइनिंग दरअसल ये जो जगह है छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार की आपसी बातचीत के बाद में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब कोल माइनिंग की जाएगी। और कोल माइनिंग अगर ये बात करें तो ये जो जगह का मालिकाना हक है वो लगभग राजस्थान के पास में है। तो सरकार क्या कर रही है कि जो हक है वो मालिकाना हक तो उनके पास है, राजस्थान सरकार के पास है, लेकिन इसका जो ठेका है यहाँ सब काम करने का वो अडानी ग्रुप के पास में है। तो राजनीतिक लहजे से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार एक तरीके से अडानी को कॉरपोरेट तरीके से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है, हालांकि वो इससे पहले इसका विरोध करते रही। 2009-10 में इसको नो गो जोन घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में ये सब कुछ क्यों होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर जो जंगल जो है ये बेहद बेशकीमती जंगल है और बहुत पुराने पेड़ हैं, लगभग बहुत बड़ी तादाद में वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। अगर इस कुछ होगा तो न सिर्फ पर्यावरण को हानि पहुँचेगी, वहाँ से बहुत बड़े तादाद में आदिवासी लोगों को पलायन भी करना पड़ेगा। 2015 में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के जो लोग हैं वो वहाँ विरोध करते हैं क्योंकि उस दौर में तत्कालीन जो सरकार रही वो बीजेपी की सरकार थी। तो न केवल भूपेश बघेल बल्कि राहुल गांधी आदिवासी लोगों को आश्वासन दिलाते हैं कि ये जो कोल माइनिंग होगी इससे आदिवासी लोगों का नुकसान होगा और ये गैर कानूनी है, पैसा एक्ट की तरह पैसा एक्ट का उल्लंघन है, इस तरीके की बातें कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं और संसद में भी ये बात वो कहते हैं, अगर हम सरकार में आते हैं तो ये जो माइनिंग है इसको तो पूरी तरीके से रुकवा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो माइनिंग के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं ये सब कुछ नहीं होगा अगर हमारी सरकार आती है तो। लेकिन वो वादा भूल जाते हैं अब 2022 में जाकर, और वो 6 अप्रैल को उनकी जो भूपेश बघेल की जो सरकार है वो इसको अप्रूव कर देती है, वहाँ से पेड़ कटना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए कि किस तरीके से दिन रात आपको अडानी और अंबानी की बात कहकर बीजेपी को घेरने वाले राहुल गांधी 2015 में आदिवासियों के बीच पहुंचते हैं और उनसे वादा करते हैं, लेकिन यहाँ अब वो पलट जाते हैं। भूपेश बघेल खुद ट्वीट करते हैं लेकिन वो भी पलट जाते हैं और बदस्तूर अब जो पेड़ कटने का काम है वो चलना शुरू हो गया है, पेड़ वहाँ काटे जा रहे हैं। तो इसी दौर में आज के वक्त में भी, मौजूदा वक्त में भी, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगभग चिपको आंदोलन वहाँ शुरू हो गया है। उस आंदोलन में जो लोग हैं जो दिन भर वहाँ रहते हैं, आज परसा खदान के बड़ी अडानी कंपनी 3 बजे आती है मशीन लगाए के चे बाजिश मशीन हमन जागन तो भाई कैसे कहाँ दिखा आवाज करते।
आऊ संगता मल उठाए नेगा उठा दोगा तो उठेन तो देखा थाने बात है अंधाधुंध कटाई करत रहे ओमे पुलिस लगे के आऊ काटत रहे हम आयन तो हम कहें भैया हम नहीं काटे देन कैसे तुम कर था तो पुलिस प्रशासन रोका थे कि नहीं ये काटेगा हम कहें बिल्कुल नहीं काटने देंगे जंगल हम कभी नहीं काटने देंगे इसे करके हम बोलें तो पाछू अपन मशीन उशीन सब गाड़ी में ला दिन ओकर बाद में भागिन तो हम सब संगता महिला पुरुष आयन सब जन देखिन तब उमर आके पहले तो उमर टांग लड़ात रहीन कि नहीं हम काटेंगे करके तो हम कहें भाई बिल्कुल नहीं काटे देंगे तब वो लोग भागिन। लेकिन अडानी ग्रुप की बेशर्मी देखिए, उस सरकार की शह पर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये देखिए कि जब वो लोग घर अपने चले जाते हैं तो रात को वो पेड़ काटे जा रहे हैं, इस तरीके की चीजें वहां हो रही हैं। और आप मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को बिल्कुल गायब देखेंगे, कोई इसके बारे में बात करने को राजी नहीं है। शायद 2 लाख पेड़ों का कटना इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। और ये तब है जब खुद सरकारों ने उसे 2009-10 में नो गो जोन घोषित कर दिया था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई माइनिंग नहीं होगी। इसी बीच में कुछ खबरें प्लांट की गई कि राजस्थान में कोयले की कमी के कारण ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बिजली ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रही है, बिजली की कटौती हो रही है, इस तरीके की खबरें भी प्लांट होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलाका है कॉरपोरेट के लिए और राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से शिकार हुआ है, और कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज़ों का जो हम लगातार दोहन कर रहे हैं उसी रूप में आज के दौर में इस तरीके की चीज़ें होना बेहद नुकसानदायक है इस पृथ्वी के लिए, इस पूरे समाज जगत के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से, जलवायु परिवर्तन की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, उस वक्त में एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जंगल हो जो पूरे पर्यावरण को बैलेंस किए हुए हो अपने इलाके में, उस जगह से इस तरीके से पेड़ों को काटे जाना और वहाँ के आदिवासियों को वहाँ से पलायन करना पड़ेगा, आदिवासी संस्कृति को भी खतरा होगा। तो कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए, पूरे देश के लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि देश में इस खबर के बारे में ज़्यादातर लोग बोल नहीं रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर हम इसके बारे में देख रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बोलिएगा, क्योंकि इस तरीके से परसा जो कोल ब्लॉक की का जो जिस तरीके से खदान वहाँ जारी है परसा की, तो उसका जो दूसरा फेज है, दूसरा जो ब्लॉक है, उसमें 841 हेक्टेयर में ये सब कुछ होना है और ये लगभग अब शुरू हो चुका है। अगर इसके बारे में आज नहीं बोला गया तो वक्त दूर नहीं जब ये सारे पेड़ काट दिए जाएंगे और वहाँ से बड़ी तादाद में जंगली जानवर को रहने को जगह नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि जहाँ वो आदिवासी लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में पलायन करना पड़ेगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा इसके बारे में कि आप सब क्या सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जिस तरीके से इन पेड़ों को काटे जाना है। तो आप अपनी राय जरूर दें और ये भी बताइएगा कि 2015 में जब राहुल गांधी आदिवासियों को आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई माइनिंग नहीं होगी अगर हम सरकार में आते हैं, लेकिन वो सरकार में आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन अडानी और अंबानी को लेकर वो बीजेपी को घेरते हैं उसी अडानी के साथ में वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को दे दिया गया है। कुछ लोग इसके बारे में लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर आप इसके बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके बारे में बोलिए, हक हकूक की आवाज़ को ज़रूर उठाइए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हम क्रिएट करने जा रहे हैं इस तरीके की चीज़ें कर। तो आप तो लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरीके के अपडेट्स और एक्सपोजर आपके पास लगातार पहुंच पाए। धन्यवाद।